नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो कैसी है एक्साइटमेंट बिग बॉस मराठी सीजन 2 को लेके, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं जब बिग बॉस मराठी आप सबकी स्क्रीन पे होगा और हम भी आपसे बात करेंगे बिग बॉस मराठी सीजन 2 की। मगर आज हम बात करेंगे कंटेस्टेंट्स की कि कौन से कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस मराठी सीजन 2 में आने वाले हैं, क्योंकि एबीपी माझा में इसका खुलासा किया गया है। उसी के बिहाव पे आज इसी पे चर्चा करते हैं कि बिग बॉस मराठी सीजन 2 के कौन से कंटेस्टेंट हैं जो आजमाने आ रहे हैं अपनी किस्मत। तो उससे पहले आपका वही काम दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया है हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मजा आएगा जब आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि हमारे वीडियो अपलोड हो गए हैं और आप देखिए और मजा लीजिए। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब हंग्री स्पिरिट चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस मराठी सीजन 1 की सफलता के बाद बिग बॉस मराठी सीजन 2 आ रहा है आप सबके सामने 19 मई से। और 19 मई से कौन से होंगे ऐसे लोग जो इस शो में हिस्सा होंगे, यानी कि इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे, कंटेस्टेंट्स होंगे। आज एबीपी माझा में इसका खुलासा किया गया, उसी के बिहाफ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस किस के नाम है इस लिस्ट में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने अभिजीत बिचकुले जो सतारा से है उनका हमने नाम पहले ही बता दिया था, सुरेखा पुनेकर का नाम भी हमने आपको बता दिया था। ये नाम तो है ही, इनके अलावा जो नाम चर्चा में है, जो नाम एबीपी माझा में बताए गए हैं, वो नाम है रसिका सुनील, जो कि काफी हॉट एक्ट्रेस हैं। वो काफी गर्मा गर्म डालेगी अपना मसाला बिग बॉस मराठी 2 में। जितना एक्सेप्टेबल होगा उतना ही लोग दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये है फैमिली शो। तो आगे नाम है भूषण प्रधान का, ये भी एक्टर है। फिर नाम है मानवा नायक, इनका भी एक्टर से ही ताल्लुकात है, ये थिएटर भी करती है और टीवी पे भी काफी काम करती है। फिर नाम आता है केतकी का, केतकी के उन्होंने बताया कि दो नाम है जो केतकी के नाम से आ रहे हैं कि ये होंगी पार्टिसिपेंट्स, उनमें से कौन कंफर्म है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। एक नाम है केतकी माटेगांवकर और दूसरी है केतकी चितले, जिसमें से उन्होंने केतकी चितले का नाम जो है ज्यादा प्रेफर किया कि ये हो सकती है शो के अंदर। फिर आगे नाम आता है अमृता देशमुख का, ये भी एक्ट्रेस है और टिकटॉक गर्ल के नाम से काफी नोन भी है। फिर नाम आता है दोस्तों दिगंबर नायक का, ये भी एक्टर है, ये भी काफी सारे कॉमेडी और काफी सारे ऐसे शोज कर चुके हैं और काफी नामी एक्टर है मराठी के। और फिर नाम आता है सुरभि हांडे, ये भी एक्ट्रेस है दोस्तों। फिर नाम आता है प्रजाक्ता का, ये भी एक्ट्रेस है। और उसके बाद नाम आता है नेहा का, जिसमें तीन तीन नेहा जुड़ी हुई हैं, यानी कि नेहा पेंट से तो है ही, जो बिग बॉस 12 में से पहले ही रुखसती ले चुकी थी, पहले ही निकल गई थी पहले कुछ ही दिनों में। और फिर नेहा जोशी का भी नाम आ रहा है, फिर नेहा गादरे का भी नाम आ रहा है। अब इन तीनों में से कौन सी नेहा होगी बिग बॉस मराठी सीजन 2 में, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये काफी हद तक कंफर्म लिस्ट है कंटेस्टेंट की। और इसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 14 को ये सब लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद 15 और 16 को इनकी ग्रूमिंग होगी और फिर 17 को होगी पहली एपिसोड शूट, यानी कि हो जाएंगे ये घर के अंदर बंद। तो दोस्तों ये है बिग बॉस मराठी सीजन 2 का खुलासा। आगे भी और खबरें आपको देते रहेंगे, आपसे बने रहेंगे, आप ही बने रहें हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.